रूस यूक्रेन टेंशन के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला सामने आया है। एस्टोनिया में अपनी फोर्स की तैनाती दोगुनी करेगा ब्रिटेन। ये देखिए, 2004 से नाटो का सदस्य देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया पर पहले रूस का शासन हुआ करता था। किसी संभावित रूसी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। एस्टोनिया, जहां पर पहले रूस का शासन था, उसे लेकर बड़ा यह फैसला किया गया है। 2004 से एस्टोनिया जो है वो नाटो का मेंबर कंट्री है और अब एस्टोनिया में अपने फोर्स की तैनाती दोगुनी करने जा रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के रोल को इस पूरे विवाद में गोयल साहब आप कैसे देखते हैं, और एस्टोनिया को लेकर ये जो ताजा कदम उठाया गया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ब्रिटेन इस मामले में बिल्कुल जैसा यूएस कहेगा वैसा ही करेगा। तो यूएस ने पोलैंड वगैरह में अपनी फौजें बढ़ाई है थोड़ी सी रूस के जवाब में, और इसी तरह से यूके ने एस्टोनिया में अपने सैनिक भेजे हैं। लेकिन इसकी अहमियत तभी मालूम चलेगी अगर जंग होती है। अगर ये खाली जमावड़ा होता है, एक तरह से पोस्चरिंग हो रही है, प्रेशर डाला जा रहा है, तो मैं इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। मैं खाली ये कहूंगा कि यूएस की सपोर्ट ने ब्रिटेन ने दिखाने के लिए एक वहां पर अपनी फोर्स भेज दी है, बस। लेकिन गोयल साहब, ये तो माना जा सकता है ना इन तैयारियों को देखते हुए कि जंग की पूरी तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। हाँ। और इसी दबाव को देखते हुए अगर जंग कोई नहीं भी चाहे, किसी गलती की वजह से, थोड़ी सी भूल चूक की वजह से जंग शुरू हो जाए, बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन है अब। मेरा ख्याल है कि अगर कोई स्टेबल सिचुएशन होती तो जंग की इतनी उम्मीद नहीं होती। लेकिन जिस तरह से बात बन रही है, डर अनस्टेबिलिटी का है कि भूल चूक से चिंगारी लग जाएगी। राइट, ये आशंका और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से इस वक्त ग्राउंड पर मूवमेंट नजर आ रही है, जिस तरह से यूक्रेन बॉर्डर पर हालात नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये आशंका और ज्यादा प्रबल होती नजर आ रही है। इस बीच रूस समर्थकों को दोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।